सलमान ने क्यों कहा बॉबी को शर्ट उतारने को? किसने की बॉबी की बुरे वक्त में मदद? सोल्जर में बॉबी ने क्यों मना किया था शर्ट उतारने से? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। बॉबी देओल को सलमान खान की मूवी रेस 3 और OTT प्लेटफॉर्म की आश्रम से कमबैक करते हुए देखा गया था। ये फिल्म बॉबी को सलमान की वजह से ही मिली थी। आपको बता दें, सालों पहले 15 मई को फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर बॉबी देओल ने सलमान को मामू कहकर बुलाया था। इस पर सलमान ने उनसे कहा था शर्ट उतारेगा क्या। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बॉबी ने वो किस्सा बताया जब पहली बार उन्होंने सलमान को मामू कहकर बुलाया था। बॉबी के मुताबिक अपने करियर में उन्होंने गुप्त, सोल्जर और हमराज जैसी कई हिट फिल्में दी, लेकिन फिर अचानक उन्हें काम मिलना बंद हो गया। बॉबी कहते हैं कि इसके बाद मैंने लोगों से मिलना शुरू किया। चूंकि मुझे क्रिकेट बेहद पसंद है, इसीलिए मैं CCL यानी कि सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में भी खेल रहा था। इस दौरान मेरी दाढ़ी भी काफी बढ़ी हुई थी। इसी दौरान मुझे सलमान मिले और बोले ये दाढ़ी कटवा ले। सलमान ने बॉबी से कहा कि जब मेरा करियर ठीक नहीं चल रहा था तो मैं तेरे भाई संजय दत्त की पीठ पर चढ़ गया था। इस पर बॉबी ने कहा तो मामू मुझे तेरी पीठ पर चढ़ा देना, मुझे कुछ काम दे। बॉबी कहते हैं कि इसके बाद एक दिन मामू यानी कि सलमान खान का फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा तू अपनी शर्ट उतारेगा? मैंने बोला काम के लिए कुछ भी करूंगा। दरअसल फिल्म सोल्जर के वक्त भी मुझसे शर्ट उतारने को कहा गया था, लेकिन तब मुझे ऐसा करने की कोई वजह समझ नहीं आई थी, इसीलिए मैंने सोल्जर में शर्ट नहीं उतारी थी। हालांकि इस बार मैंने सलमान की बात मान ली और इस तरह मुझे रेस 3 जैसी मल्टी स्टारर फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। बॉबी ने सलमान के बारे में कहा वो मेरे लिए एक एंजल यानी कि फरिश्ते हैं। उन्हें लंबे समय से एक अच्छी और हिट फिल्म की जरूरत थी, ऐसे में मामू मेरे लिए एंजल बनकर आए और मुझ पर भरोसा करते हुए सही समय में रेस 3 जैसी फिल्म में काम करने का मुझे मौका दिया। और अब एक बार फिर सलमान के साथ बॉबी काम करने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सलमान ही सोल्जर 2 को प्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसमें सलमान और निर्देशक चाहते हैं कि बॉबी ही इस सोल्जर के सीक्वल पर काम करें। पहले तो बॉबी ने फिल्म करने से मना कर दिया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस दूसरे पार्ट को सलमान खान निर्देशित करेंगे तो उन्होंने तुरंत ही फिल्म के सीक्वल के लिए हाँ कह दी। तो एक बार फिर भांजा मामा के पीठ पर चढ़ गया। हम तो बहुत उत्सुक हैं इस फिल्म को देखने के लिए, क्या आप भी इतने ही उत्सुक हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही बॉलीग्राफ स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने।